लौकी खाने के कई फायदे होते हैं और इसको हम कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जूस में, सब्जी में और भी कई जगह यूज़ होती है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे लौकी के रायते की रेसिपी, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। आप मेरे साथ हैं कुक विद दीपाली में। लौकी का रायता बनाने के लिए सबसे पहले मुलायम ताज़ा लौकी को ले लेंगे, फिर चाकू से थोड़ा सा भाग काट लेंगे। अब नीचे वाले भाग को अलग करके इसे छील लेते हैं। रायता बनाने के लिए मुलायम लौकी को लें, मुलायम लौकी से बने रायते का स्वाद अच्छा होता है। अब इस लौकी को बीच से काट कर छोटे छोटे पीस काट लेते हैं। ये देखिए मैंने काट लिए हैं, ये बहुत मुलायम लौकी है। आप चाहे तो किसी भगोने में आधा गिलास पानी को डालकर उबाल लें। हम इसे प्रेशर कुकर में उबाल रहे हैं, चौथाई कप पानी को डालकर दो सीटी आने तक उबाल लेंगे। कुकर के प्रेशर को अपने आप निकल जाने देना है। देखिए लौकी सॉफ्ट हो चुकी है, इसको किसी बर्तन में पानी से निकाल लेते हैं। आप चाहे तो छन्नी में से डाल दें, जिससे पानी अलग हो जाएगा। अब इस लौकी को इस तरह के कांटे वाले चम्मच से या फिर चमचे से दबाकर मसल लें, या फिर इस तरह से मिक्सी के जार में इसको डाल दें। इसका ढक्कन लगाकर एक बार हल्का सा मिक्सी को चलाकर पीस लेते हैं। ये देखिए लौकी को पीस लिया है, अब इसको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। अब किसी कटोरे में ताज़ा दही को ले लेते हैं। ये 1.5 कटोरी के लगभग ताज़ा दही मैंने ले लिया है। अब इसको किसी चम्मच से या फिर हैंड विस्कर से चलाकर फेंट लेते हैं। दही पूरी तरह से फिट जाना चाहिए। अब इसमें जो पिसी हुई लौकी है उसको डाल देते हैं और चम्मच से चला देंगे। इस रायते में लौकी बहुत थोड़ी पड़ती है, अगर ज़्यादा लौकी डाल देंगे तो दही का टेस्ट नहीं आएगा। अब इसका तड़का बना लेते हैं। गैस को जलाकर तड़का पैन को रखकर इसमें 1 टेबल स्पून तेल को डाल देते हैं। आप जो कुकिंग ऑयल खाते हैं उसको डाल दें। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें 1/4 छोटी चम्मच हींग और 1/2 छोटी चम्मच जीरा को डालकर तड़कने देंगे। 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर को भी इसमें डालकर तड़का बना लेते हैं। अब इस तड़के को दही में डालकर चला लेते हैं। इस रायते के साथ किसी भी तरह का भरवा पराठा हो, जैसे आलू का हो या फिर प्याज का हो या किसी भी तरह का पराठा हो, खाइए मज़ा आ जाएगा। अब इसमें स्वाद के अनुसार सफ़ेद और काला नमक डाल देते हैं। काला नमक ज़रूर डालिए, इससे रायते का टेस्ट बढ़ जाता है। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच से भी कम पिसा हुआ भुना जीरा डाल देते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया को डालकर इसमें चलाकर मिक्स कर लेते हैं। लीजिए लौकी का रायता पूरी तरह बन चुका है। आप भी इस तरह से टेस्टी सा लौकी का रायता बनाइए, आपको ये रायता ज़रूर पसंद आएगा।